वो ऑटोमेटिकली याद रखेगी। ओके देखें, अब मैं प्राइवेट एक मेरे पास ना इंटरनेट ना कुछ है, तो मेरे पास रूट सर्वर के लिए कैसे सोचना नहीं पाता ना, मेरे पास रूट सर्वर के आगे के लिए कैसे। जब आप क्या जो आप ISO यूज करते हैं, ISO जो हम यूज कर रहे हैं सर्वर 16, जब सर्वर 16 को जब बिल्ड कर रहे होते हैं उसको बनाते हैं, उस टाइम पे वाई पी के लिए उसके अंदर रख देते हैं, इस तरह सर्टिफिकेट्स रख देते हैं। हाँ, वो उसके ऐसे ही है, वो उसके अंदर रख देते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक 13 ही सर्वर है, पहले सर्वर की तरह 6-7 थी, अब इस टाइम 13 सर्वर है। ठीक है, और IPv6 के ऊपर ये 11 है और 2 जो है IPv4। सर वो सर्वर किस तरह हैं जो डॉट वाले सर्वर हैं, क्या नॉर्मल मशीन और उनके ऊपर सर्वर था ना, ये जो रूट सर्वर जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि 13 बड़ी दुनिया में इनके लिए सर। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट सबसे पहले उस पर जाती है। ठीक है, जिस तरह नॉर्मल सर्वर है उसी तरह ही है, लेकिन उन्होंने नॉर्मल तो नहीं किया होता है अंदर, बेशक वो लैटिन और लॉसर हज़ारों आईपी उसमें यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने एक सर्वर ने रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, उसके लिए उन्होंने डिफरेंट मेथड उसके लिए यूज़ किया। हमारे पास जो लिस्ट आती है वही लिस्ट आती है आईपी, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट उसी आईपी पे जाती है। ठीक है, अब उसमें से 13 आईपी अवेलेबल है, 13 में से किसी भी रिक्वेस्ट चली जाती है, और 13 आईपी पूरी दुनिया में उनके पास अवेलेबल है। सबसे ज्यादा रूट सर्वर जो है अमेरिका के पुल जाता है, कुछ इन्होंने एक दो सिंगापुर में भी रखे हुए हैं और कुछ अदर रीजन में, इंडिया में भी है क्या, इंडिया में भी मेबी हो सकता है, लेकिन पहले तो इंडिया में रूट सर्वर नहीं था। आई रूट सर्वर के ये भी कोई एक कंसेप्ट है ना, इसमें आई रूट सर्वर मुख्तलिफ नाम है ना, KLMN इस तरह के उनकी एक वो भी आती है, कैटेगरी भी आती है सर्वर की, DNS सर्वर की जो डॉट लेवल के। चलो मैं देखूंगा फिर डिस्कशन। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ और जब मैं होस्ट करने जाता हूँ .com वालों के पास, तो वो एंट्री कर देते हैं मेरी वेबसाइट की। अब वो टॉप लेवल और है हमारा रूट लेवल, वो फेच करते रहते हैं .com से डॉट इस तरह के भाई जो भी रूट डाटा उनके देखें, इनके आपस में कनेक्शन चलती, जैसे ये आज जितने भी दुनिया में सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस तरह हम यहाँ पे बैंक में पैसे जमा कराते हैं। ठीक है, बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो उसकी एक एंट्री आपके अकाउंट में भी होती है, लेकिन एक एंट्री एट दी एंड उसकी फौरी तौर पर स्टेट बैंक में पहुंच जाती है। ठीक है, कैसे है? ठीक है, स्टेट बैंक उस एंट्री को, उस एक स्केड्यूल टाइम होता है, वो एंट्री को 24/7 उसको अपडेट करेगा या विद इन अ टाइम करेगा। स्टेट बैंक मजाज होता है उस एंट्री को अपडेट करने का वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक में जी, वर्ल्ड बैंक स्टेट बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारी ट्रांजेक्शन के लिए उनकी जो मेन ट्रांजेक्शन होती है उसके वर्ल्ड बैंक के अंदर आपकी सारी एंट्रीज अवेलेबल होती है। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं कि ये आपको करना होता है, क्योंकि जब आप बैठे होते हैं जो सुपर पावर है आपके ऊपर, ठीक है, आपको करना होता है। इसी तरह इंटर मेथड क्या होता है कि इसके बैठक में अयाना इसको डील करती है। अयाना जो है 7 बरियाजम में, उसको डिवाइड किया हुआ है 7 बरियाजम में, एशिया का उसको अलग डील करता है, यूरोप अलग डील करता है, साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीकन कंट्रीज अलग है। ठीक है, तो ये उस किस तरह एंट्री उनको अपडेट करते हैं। ठीक है, और ये सर ये जो रूट लेवल डोमेन सिस्टम है ये आयना के अंदर आ रहे हैं, वही मतलब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कोई इस तरह के वो मैनेज कर रही है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, आयना इसको डील कर रहा है। आयना क्या क्या डील कर रहा होता है, आयना आपके आईपी को डील करता है, आयना आपके रूट सर्वर को डील करता है, आईपी से रिलेवेंट जितनी भी कम्युनिकेशन है वो आयना ही उसको डील करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे हमारे अगर रीजन में पूरे पाकिस्तान में जो आईपी की लिस्ट आती है बाहर से, ठीक है, वो अयाना ही देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेड है जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो हेड है हमारा वो PTA है, उसको डील करता है, लेकिन मेन कंपनी कौन है यहाँ पे PTA से। ठीक है, ठीक है, फिर अगर हमने कोई कंपनी कार को बनाते हैं तो आप लीज लाइन परचेज किससे करते हैं, आप PTA से परचेज करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट में उन्होंने कोई दूसरी कंपनी को अथॉरिटी नहीं दी, उनका फाइबर यहाँ जितनी भी बिछी हुई है वो उसी की बिछी हुई है फिर से। ठीक है, वदीन की सर्विसेज बहुत अच्छी थी, वदीन को उन्होंने फिर किल क्यों किया, क्योंकि वो सर्विसेज बहुत अच्छी दे रहे थे तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं तो वदीन के अपने ज्यादा सिक्योरिटी थे जो यहाँ पर किसी की गेट डर लगी है, जो भी ट्रैफिक आपने पास करनी है वो कंडीशन से ही है। क्या देखें, अब नया डल आई है, नया डल कहते हैं जी हमारे अपनी फाइबर है, नो प्रॉब्लम की अपनी है,
Yeah. 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 Ye